हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा। और मैं हूँ पूजा। सो आज है सोमवार का तीसरा दिन और मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैं नहा चुकी हूँ और डेफिनेटली पूजा करने जा रही हूँ, तो नहा भी लिया और घर के सारे काम भी कर लिया। सो अभी भी हमारे यहाँ बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई है। लगता है भगवान जी ने टाइमिंग फिक्स कर रखी है, सोमवार को इस टाइम पर बारिश होनी है। तो आप देख सकते हो बारिश हुई है, बहुत जम के हुई है बारिश। और ये रहा मेरा मंदिर, वो मेरी सासू माँ है जिनको मैं मंदिर में ही रखती हूँ। और ये देखिए बारिश के बाद का नज़ारा। और गाइस, हमारा जो एरिया है वो रेड जोन में आ चुका है। आपको वो जो पतली सी घर दिख रही होगी जिगजैग टाइप की, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। हाँ, आपको ये वाली जो घर दिख रही है बड़ी वाली, इस घर में पूरी फैमिली पॉजिटिव है। वो जो आपको इस घर के जस्ट सामने दिख रहा है ग्रीन, जो कि पेड़ के जस्ट सामने है। और ये जो पूरा एरिया है आपको जो ग्रीन टू ग्रीन दिख रहा है, वो एरिया भी पूरा कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। तो हम लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं कोरोना के। सो आई होप भगवान जी से यही दुआ है कि जल्दी से ये चले जाए और हम लोगों को जितना प्रिकॉशंस लेना है उतना हम लोग ले रहे हैं। और अभी हस्बैंड गए हैं, गंगा जी गए हैं बेलपत्र लाने और गंगा जल लाने। तो हम आ गए मंदिर में और ज़्यादा इस वक्त शूट नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है और सेम पूजा ही है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बस आप लोगों के साथ सोचा कि थोड़ा सा अप टू डेट कर देती हूँ। एंड अब मैं साफ़ सफाई करती हूँ, बाकी के सारे काम करती हूँ। हो सकता है थोड़े बहुत क्लिप्स मैं डाल दूँ या फिर कुछ और करते हुए मैं दिखूँगी। तो चलिए, जो होगा जैसा होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। तो पूजा हमारी हो गई थी जैसा कि आप लोगों ने देखा है। उसके बाद अब बारी आता है ब्रेकफास्ट टाइम का। तो ब्रेकफास्ट में मैं बच्चों को कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ, काफ़ी हेल्दी होता है और मॉर्निंग में थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये जो आपको ब्लैक सी दिख रही होगी वो कॉर्नफ्लेक्स का ही है, कॉर्नफ्लेक्स ही ज़्यादा रोस्ट हो चुका है वही है। तो उसके बाद हम लोग अपने लिए मैगी बनाएंगे। तो मैं मैगी कैसे बनाती हूँ चलिए आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जियों को काट लिया है और यहाँ पे मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया और मैं हाथ से ही शूट कर रही हूँ। और इसके पहले हमने चाय बनाया था तो चाय हम लोग पी चुके हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और प्याज डालूँगी, जो कि मोस्टली हर किसी को मैगी भी ऐसे ही बनाते हैं। थोड़ी बहुत किसी किसी के मैगी में एक दो स्टेप जो होते हैं वो चेंज होते हैं, या फिर 99.9% लोग ऐसे ही मैगी बनाते हैं या आधे लोग तो उबाल कर ही बनाते हैं, तो सबकी अपनी चॉइस होती है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी। तो मैंने छोटे से क्यूब्स में शिमला मिर्च इसमें डाल दिए, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। उसके बाद मैं इसमें एक चॉप किया हुआ टमाटर डाल देती हूँ, वो भी छोटे साइज़ का ही है। शिमला मिर्च भी छोटे साइज़ का है और टमाटर भी छोटे साइज़ का है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद मैं हल्दी डाल दूंगी ताकि इसमें अच्छा सा ना कलर आ जाए, क्योंकि ऐसे सिर्फ मैगी मसाला से कलर अच्छे नहीं आते। उसके बाद मैं पानी डालूंगी और मैं इसमें डालूंगी 3 पैकेट मैगी मसाला, क्योंकि मैं 3 पैकेट मैगी बना रही हूँ। उसके बाद मसाले डालने के बाद मैं इसमें मैगी डाल दूँगी और मैगी डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसको ढक के 5 मिनट के करीब पकाती हूँ, क्योंकि 2 मिनट में मैगी नहीं बनते, जिसने भी ये बोला बहुत गलत बोला है। और इसमें धनिया पत्ता डाल दूँगी, लोग लास्ट में डालते, मैं इसी समय डाल रही हूँ। उसके बाद हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं मैगी। हमारी मैगी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और हमारे मुंह में पानी आ रहा है, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, तो आप भी बना कर खा लो। और इस तरफ मैं काढ़ा बना रही हूँ, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस की वजह से काढ़ा पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सो इसका सेपरेट वीडियो जाएगा। मैगी खा लिया, खाना खा लिया, इतना कुछ खा लिया, पर बर्तन तो धोया ही नहीं।
तो आगे आगे आप खाते पीते जाओ, और पीछे पीछे जो बर्तन है वो सिंक में जमा होते रहते हैं, सो बर्तन की भी सफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन धो रही हूँ, और थोड़े बर्तन मैंने और भी धो कर रख लिए थे, और उधर मैंने काढ़ा चढ़ा दिया था, तो मैं जल्दी से फटाफट से बर्तन धो रही हूँ। इसके पहले मैंने बनाया था बच्चों के लिए लंच में, मैंने बनाया था क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसको छिलकी बोलते हैं, वैसे चीला बनाया था मैंने उसको, हमारे यहाँ बिहार में छिलकी बोलते हैं, कुछ लोग भवड़ा भी बोलते हैं बिहार में, तो वही बनाया था उसी के कद्दू के छिलके यहाँ सिंक में पड़े हुए, जो कि बहुत ही गंदे लग रहे हैं देखने में। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ी सी अपने रूटीन वगैरह भी शेयर कर लिए जाए। तो और भी आप लोग बताना कि आप लोगों के कैसे कैसे वीडियोस देखने हैं, क्योंकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूँगी। अभी इसलिए भी वीडियोस नहीं उतने अच्छे मैं डाल पाती क्योंकि लोग देख ही नहीं पाते हैं, अगर लोग आएंगे देखेंगे मेरी वीडियोस को, पसंद करेंगे मेरे काम को, पसंद करेंगे, तो मैं डेफिनेटली बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सके। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो सारे बर्तन को मैं यहाँ पे धो लूँगी, और यहाँ पे मैंने फास्ट मोड ही करके रखा क्योंकि अगर मैं बर्तन धोने बैठती तो सिर्फ बर्तन धोने की ही वीडियोस मुझे डालने पड़ जाती, इसलिए मैं फास्ट मोड कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं एक बार जब भी बर्तन धोती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार जूना घुमा देती हूँ, ताकि हमारा सिंक भी बिल्कुल क्लीन हो जाए, और इधर उधर सर्फ चल जाते हैं, ये छींटे पड़ जाते हैं, तो मैं साइड साइड भी क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद ये जो ट्यूब में जो लगाने के लिए आता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं नाम पता, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। बर्तन धोते समय बर्तन बहुत जल्दी धुल जाती है क्योंकि इससे पानी जो है फैल कर आता है, लेकिन ये 2 से 3 दिन में ये गंदा हो जाता है, तो एक बार इसको भी अच्छे से ब्रश से साफ़ कर देती हूँ। सो यही है मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में, तब तक